चचोड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बीनागंज चौकी के अंतर्गत लहरचा ग्राम की छात्रा पायल मीणा उम्र 11 वर्ष के अपहरण के मामले में ग्राम लहरचा के निवासियों द्वारा एवं परिजनों के द्वारा नेशनल हाईवे 46 पर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाते हुए कार्रवाई समय पर ना करने के लिए बीनागंज नेशनल हाईवे बाईपास पर चक्का जाम कर दिया। काफ़ी मशक्कत के बाद चचोड़ा SDOP सुश्री दिव्या सिंह रजावत के द्वारा एवं चौकी प्रभारी बुंदेल सिंह सुनेरिया के द्वारा ग्रामीणों को समझाकर चक्का जाम खुलवाया गया एवं FIR कराने के निर्देश के बाद ग्रामीणों ने चक्का जाम को हटाया। चचोड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत यह 4 ग्राम की छात्रा का कोचिंग आते समय 11 वर्षीय पायल मीणा का अपहरण करने की कोशिश की गई, जिसको लेकर ग्रामीणों की मदद से बच्ची का अपहरण होने के बाद पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने में बीनागंज पुलिस एवं चचोड़ा SDOP दिव्या सिंह रजावत की टीम द्वारा युवती के अपहरण के मामले में एक युवक एवं युवती को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की गई है। अपहरणकर्ता के नाम सतेंद्र शिल्पकार एवं युवती प्रिया नाम बताया है, जिसको लेकर बीनागंज चौकी पर गिरफ्तार करके लाया गया। पुलिस ने युवक एवं युवती सहित एक अन्य आरोपी जो फरार बताया गया है उसकी गिरफ्तारी के लिए दल टीम बनाई है। क्या नाम है आपका? तो क्या मामला है, ये कहाँ ले जा रहे थे आपको? एक गाड़ी थी उसमें बिठा के ले जा रही थी, मैंने साइकिल मुड़ेक ली थी, वो मेरे साथ भी पड़ी थी। ये महिला है यही आपको ले जा रही थी? पीछे पड़ी थी। कहाँ ले जा रही थी? पता नहीं। आप कहाँ रहती हो? लहरचा में। अच्छा, तो कब की बात है? सुबह की। आप स्कूल जा रहे थे? फिर किसने देखा, आप चिल्लाए क्या? नहीं, मैं भाग गई थी घर पर, तब मेरे पापा के मेरे पापा से बोल दी थी, फिर मैं मुझे पापा और चाचा जी छोड़ने आ रहे थे, तब मैंने इनको पहचान लिया, तब हमने गाड़ी रोक ली थी। आपके साथ और कौन था? कोई नहीं था। अच्छा, कहाँ ले जा रही थी? पता नहीं। आप कहाँ रहती हो? लहरचा में। अच्छा, तो कब की बात है? सुबह की। आप स्कूल जा रहे थे? हाँ। फिर किसने देखा, आप चिल्लाए क्या? नहीं, मैं भाग गई थी घर पर, तब मेरे पापा से बोल दी थी, फिर मैं मुझे पापा और चाचा जी छोड़ने आ रहे थे, तब मैंने इनको पहचान लिया, तब हमने गाड़ी रोक ली थी। आपके साथ और कौन था? कोई नहीं था। अच्छा, क्या मामला है भैया, किस बात को लेके जाम लगाया है? हमारी बच्ची कोचिंग जा रही थी, सुबह 6 बजे कोचिंग आती है, तो यहाँ कुछ बदमाश लोग थे, उन बदमाश लोगों ने उनको मतलब पकड़ने की कोशिश की, वो बच्ची चतुर चालाक थी, तेज थी, तो वो भाग के निकल गई, घर पे जाके सूचना कर दी। घर से हम लोग यहाँ पर सब गांव के आ गए, और यहाँ पर हमारी कोई मतलब थाना में वो नहीं, सुनवाई नहीं हो रही है, FIR नहीं काट रहे हैं। कोचिंग निचले बाजार में जाती थी, वो नवोदय की तैयारी कर रही है। तो आप लोग क्या कार्रवाई चाहते हैं? अब हम यहाँ पर SP कलेक्टर को बुलाना चाहते हैं, हमारे यहाँ से कई गांव के आते हैं लोग, छोटे बच्चे, तो वो उनको कोचिंग जा रही थी। तो जैसे ही मुझे सूचना मिली कि हाईवे पर जाम लगा हुआ है, तब मैं वहाँ पे गई, ग्रामीण लोगों से बात करी, उन्होंने बताया कि एक छोटी बच्ची, नाबालिग बच्ची, लहरचा गाँव से कोचिंग के लिए आ रही थी, और रास्ते में जो है वो एक महिला उसके पीछे पड़ गई, और उसको लगा उसका अपहरण करने की कोशिश करी, ऐसा बच्ची ने बताया। ग्रामीण लोगों ने उन दोनों, एक महिला और एक पुरुष था, उनको वहीं पर पकड़ लिया था, घटनास्थल पर ही, और उनको चौकी पर लाए, फिर उसमें आगे हम लगाने कार्रवाई कर रहे हैं, आगे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए कोई अभियान चलाएंगे? बिल्कुल, हम महिला सुरक्षा को लेकर के एक अभियान चलाएंगे, जो कोचिंग सेंटर्स हैं उनकी भी हम एक मीटिंग लेंगे, उनको भी ये बात सुनिश्चित करेंगे कि वो अपने कोचिंग सेंटर्स पर जो है वो CCTV कैमरा लगवाएं, इसके अलावा जो यहाँ का व्यापारी वर्ग है उनके साथ ये मीटिंग लेकर के जो भी हमारा कस्बा है वहाँ पर CCTV कैमरे लगवाए जाने सुनिश्चित करें, यह पूरा प्रयास करें। ग्रामीणों ने लगभग कितने समय तक हाईवे जाम किया और किस आश्वासन के बाद वहाँ से हटे? ग्रामीणों ने बोला कि वहाँ पहुंचे तो मैंने उनको आश्वासन दिया कि जो भी उचित अपहरण की धाराएं धाराएं लगा करके FIR दर्ज की जाएगी और उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, इसके बाद ग्रामीणों ने जो जाम रोक दिया। चचोड़ा से धर्मेंद्र उप्रेती की रिपोर्ट। Rabindranath Tagore University, the pioneers in skill development with focus on creating industry ready professionals.
Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University.